हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप सेटअप बॉक्स को यानी डीटीएच को ऑटो स्कैन कर रहे हैं और आपके साथ ऐसी समस्या आ रही है कि ऑटो स्कैन करने के बाद जो है कि 10 चैनल या 15 चैनल या 20 चैनल आने के बाद जो है कि मेमोरी फुल की समस्या आ जा रही है, मेमोरी फुल दिखा दे रहा है या फिर डाटा फुल दिखा दे रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सही किया जाए और आप जो है कि अपने डीटीएच में या सेटअप बॉक्स में नए नए चैनल मंगाएँ, ताकि जो है कि जब भी आप ऑटो स्कैन करें तब आपका सारा का सारा चैनल, जितना भी ऑटो स्कैन में आने वाला चैनल है, सब कुछ आ जाए और मेमोरी फुल की समस्या खत्म हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो है कि हम अपना टीवी स्क्रीन स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये समस्या क्यों होती है, कैसे होती है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि हमारा मेन्यू खुला हुआ है और यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर में है टीवी चैनल लिस्ट और उसके बाद में है यहाँ सेकेंड नंबर पे रेडियो चैनल लिस्ट। तो क्या करते हैं हम, जब डिलीट करते हैं प्रोग्राम, डिलीट करते हैं तो प्रोग्राम डिलीट करते वक्त जो है कि हम क्या करते हैं कि टीवी चैनल लिस्ट के सारे जो है कि चैनल डिलीट कर देते हैं और सारे चैनल डिलीट करने के बाद हम ऑटो स्कैन करते हैं। और ऑटो स्कैन में जो है कि क्या होता है कि कुछ चैनल, 10-15 चैनल, 20 चैनल आने के बाद जो है कि मेमोरी फुल की समस्या आ जाती है, मेमोरी फुल लिख देता है और आप लोग परेशान होने लगते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये मेमोरी फुल क्यों हो जाती है। तो क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल लिस्ट ही डिलीट करते हैं, जब भी हम स्कैन करने वाले होते हैं तो टीवी चैनल लिस्ट को ही डिलीट करते हैं और उसके बाद जो है कि हम ऑटो स्कैन कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम रेडियो चैनल लिस्ट कभी भी डिलीट नहीं करते हैं और रेडियो का चैनल आते आते कई बार आता है, रिपीट होके आता है और जो है कि 3 बार 4 बार आ जाता है, 3 बार 4 बार जब भी हम स्कैन करते हैं तो वो आता रहता है और रेडियो चैनल लिस्ट से जो है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है और हम रेडियो चैनल लिस्ट को कभी डिलीट ही नहीं कर पाते हैं या डिलीट नहीं करते हैं, इसी वजह से जो है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है और हम बार बार टीवी चैनल लिस्ट को डिलीट करके और जो है कि नया स्कैन करते हैं। तो आप कभी भी डिलीट करिए तो टीवी चैनल लिस्ट भी डिलीट करिए और सेकेंड नंबर पर आने वाला रेडियो चैनल लिस्ट को भी डिलीट करिए, ताकि टोटल जो है कि डिलीट हो। उसके बाद जो है कि टोटल डिलीट करने के बाद आप जो है कि ऑटो स्कैन करें। ऑटो स्कैन करने में आपका जो है कि नया नया रेडियो चैनल भी लिस्ट आएगा और जो है कि नया टीवी चैनल लिस्ट भी आएगा और आपकी मेमोरी फुल होने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टीवी चैनल लिस्ट को डिलीट करते हैं और रेडियो चैनल लिस्ट को नहीं डिलीट करते हैं, इसी वजह से जो है कि मेमोरी फुल दिखाने लगता है। तो आप टीवी चैनल लिस्ट और रेडियो चैनल लिस्ट दोनों को डिलीट करें और ऑटो स्कैन करें। ऑटो स्कैन करने पे आपको नए नए चैनल देखने को मिल सकते हैं और टीवी चैनल लिस्ट में और जो है कि रेडियो चैनल लिस्ट में जो मेमोरी फुल होने की समस्या है वो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप दोनों को डिलीट एक साथ करें और जो है कि आप डिलीट करने के बाद ऑटो स्कैन कर सकते हैं और ऑटो स्कैन के बाद जो है कि आपको नए नए चैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।